यह चैनल किसी भी अवैध सामग्री को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री का मतलब है शैक्षणिक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं ऑफिशियल रूम। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईफोन्स के ऊपर कि आईफोन में आप किस तरीके से जेल ब्रेक कर सकते हैं, आपका खुद का फोन होना चाहिए, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा किस तरीके से आप अपना आई क्लाउड को रिमूव कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो हो सकता है कि आप अपने फोन को बाईपास ना कर पाए। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं और भी आई क्लाउड के ऊपर वीडियोज लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको सारी जो भी फाइल्स होंगी वो सारी के सारी फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बट उसको डाउनलोड करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड क्या करना है, आपको बूट ट्रेन की फाइल डाउनलोड करनी है, जो कि ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्टेड है, और ये आप आसानी से अपने सिस्टम के अंदर इसको बूट करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर हमारे पास दो फाइल हैं, ये X32 में भी काम करेगा और 64-bit में भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही फाइल काम करेगी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और ये वाली जो फाइल है ये AMD के लिए है, AMD प्रोसेसर्स के लिए। अगर आपके फोन आपके जो लैपटॉप में इंटेल का प्रोसेसर नहीं है, AMD का प्रोसेसर है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब चलिए इसको बूटेबल बनाते हैं। तो बूटेबल बनाने के लिए आपको रूफस का एक सॉफ्टवेयर चाहिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है, 8 GB तक की पेन ड्राइव होनी चाहिए, चाहे 4 GB की पेन ड्राइव भी चलेगी। उसके बाद सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको उसी फोल्डर में चले जाना है, डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं और इस फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टीशंस समरी लिखा हुआ है, यहाँ पे MBR, GPT ये मोड्स होते हैं। तो मेरा जो सिस्टम है वो MBR मोड है, तो मैं MBR मोड पे ही रहने दूंगा और इसको स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। कोई भी सेटिंग को आपको छेड़ना नहीं है, डायरेक्टली आपको स्टार्ट कर देना है। ओके कर दीजिए। ओके, सो दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मिनिमम 5 मिनट्स का टाइम लग जाता है, तो हम वेट कर लेते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे यहाँ रेडी का ऑप्शन आ चुका है और हमारी जो बूटिंग जो हमारा पेन ड्राइव था वो पूरी तरीके से बूटेबल बन चुकी है। अब आपको उसको क्लोज कर लेना है, साथ ही साथ अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। सो ठीक है दोस्तों, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हैं। सो रीस्टार्ट करने के बाद आपको बूटिंग की प्रेस करनी होगी। अगर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप में F2, F3, FN या एस्केप होता है, या फिर अगर आपका पुराना सिस्टम है तो डेल होगा, डिलीट। डिलीट वाले बटन को प्रेस करने के बाद एडवांस में चले जाते हैं। एडवांस में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट बूटिंग डिवाइस सेलेक्ट करना है, जो कि हमारा सनडिस्क है। उसके बाद F10 दबा के हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट बूटिंग डिवाइस सनडिस्क सेव हो चुका है, F10 पे दबा के सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली बूट कर जाएगा बूट ट्रेन पे। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा ऑटोमेटिकली बूट ट्रेन पे ये ऑटोमेटिकली बूट कर गया और ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के अंदर बूट कर जाएगा। तो हम एंटर कर देते हैं। सो वेट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो डिस्प्ले पे आपको पासवर्ड और यूजर आईडी शो कर रहा होगा, तो ANON एंटर, उसके बाद पासवर्ड डालना है VOID LINUX एंटर। तो जैसे कि आप देखते हैं हमारा लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे आप लिखिए sudo chkrin एंटर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे ये जो chkrin वाला सॉफ्टवेयर है वो रन हो चुका है। अब सिंपली आपको करना क्या है, बहुत ही इजी है, सिंपली अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो पहले हम फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे यहाँ iTunes का ऑप्शन आ रहा है और इसके आगे हमारा बढ़ नहीं रहा है, मतलब इसमें हमारे फ़ोन में iCloud लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू करके बैक कर लीजिए। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपली अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है सिस्टम से। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फ़ोन किया तो यहाँ पे आप देखते हैं आईफोन 6 आ रहा है, जिसका लेटेस्ट वर्जन 12.4.7 है। तो इसको हमें अब आई ट्रस्टेड। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट वाले बटन पे प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6। मैंने इसको पहले भी जेल ब्रेक किया था, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद आपको एंटर कर देना है, स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन है वो रीबूट होगा। रीबूट होने के बाद आपका जो फ़ोन है वो चला जाएगा रिकवरी मोड पर, और रिकवरी मोड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकवरी आ चुका है। अब नेक्स्ट के बटन पे हमें स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, क्लिक करके पावर वाले बटन को प्रेस करना है, साथ ही साथ होम वाले बटन को प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको रिलीज़ कर देना है पावर की बटन को, और उसके बाद होम वाले बटन को प्रेस करके ही रखना है जब तक आपका DFU मोड नहीं आ जाता है। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा DFU मोड आ चुका है और यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें वेट कर लेना है।
तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा गाइस कि अगर आप फ़ोन को जेल ब्रेक कर रहे हैं तो जेल ब्रेक करने के बाद आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट मत करना, नहीं तो फिर से दोबारा आपको फ़ोन को जेल ब्रेक करना पड़ेगा। सो जैसे कि हमारा फ़ोन यहाँ पे ऑन हो रहा है और यहाँ पे डन हो चुका है, तो हम अपने सिस्टम को अब रीस्टार्ट कर लेते हैं। ऑल राइट, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब इसको हम एग्जिट कर लेना, आई ट्रस्टेड कंटिन्यू, ठीक है। अब आपको एग्जिट कर लेना है। एग्जिट करने के लिए आपको कमांड डालनी है sudo shutdown, sudo shutdown space r now। डिस्प्ले पे आपको शो हो रही होगी कमांड। उसके बाद आपको अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद फिर से आपको बायोस के सेटिंग में जाना है, क्योंकि हमें अब अपनी हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करना है जिसमें हमारी विंडोज 10 है। तो हमें एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद हमें हार्ड डिस्क ड्राइव को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके आपको जो भी आपकी ड्राइव है जिसमें आपने विंडो डाल रखी है इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपका जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट होगा, तो हमें वेट करना है। ऑल राइट, हमें 10 में विंडोज 10 में बूट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। अब साथ ही साथ आपको एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, iCloud बाईपासिंग टूल। और साथ ही साथ आपको टूल्स डाउनलोड करनी पड़ेंगे, जैसे कि एक को पाइथन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, नेट फ्रेमवेयर अपडेट करना पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगी और फाइल्स भी मिल जाएंगी, आप उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरे फ़ोन में लॉक लगा हुआ है, तो मैं iTunes से कनेक्ट करता हूँ इसको। कंटिन्यू, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा iCloud अकाउंट लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब इसको हमें क्लोज कर लेना है। हम लोग सिस्टम पे आ चुके हैं। अब सिंपली आपको मैं पहले बता दूं कि कौन कौन सी फाइल्स आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी अपने सिस्टम के लिए, जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा, चाहे आप कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा आपको ये वाला वर्जन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी एक सेटिंग है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। और साथ ही साथ पुट्टी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक लोकल होस्ट क्रिएट करने के लिए होता है और सर्वर टू सर्वर जोड़ने के लिए होता है, तो वो भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप वो उसकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, 64 बिट सिस्टम है तो 64 कीजिए, 32 है तो 32। जैसे कि चेंजेस के अंदर चले जाता हूँ, यहाँ पे फिनिशिंग के ऊपर जाता हूँ, तो लास्ट में जो ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये वाला, ये हमेशा कट होता है। जैसे इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होता है, तो आपको इसको क्लिक करके विल बी इंस्टॉलिंग इन लोकल हार्ड डिस्क कर देना है और नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं किया तो बहुत सारे एरर्स आपको देखने को मिलेंगे और आपका फ़ोन कनेक्ट होने के बाद भी iCloud बाईपास नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पाइथन हो गया। दूसरे नंबर पर आता है विजुअल C++। ये विजुअल का 2015 जो वर्जन होता है ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है अगर आपने विंडोज 10 डाल रखा है तो, और नेट फ्रेम भी ऑटोमेटिकली ही इंस्टॉल हो जाता है। अगर नहीं है तो ये दोनों की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर बाईपासिंग, जैसे आप अपने फोन को बाईपास कर लेंगे तो बाईपास करने के बाद आपको सेफ शटडाउन डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फोन को दोबारा से रीबूट करते हैं तो फिर से वो हेलो स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके लिए आपको सेफ शटडाउन का एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अपने सिस्टम पे अब चलते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं किस तरीके से करना है। सो जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना iCloud वाला जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसको रन कर लेना है। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने अपना iCloud वाला एप्लीकेशन यहाँ पे रन करते हैं। रनर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देखते हैं अपने फ़ोन को हमने कनेक्ट किया था और यहाँ पे हमारा स्टार्ट के बटन पे हमने क्लिक कर दिया। ध्यान रखिएगा कि अपने फ़ोन को आप डिसकनेक्ट मत कीजिएगा और रीस्टार्ट भी मत कीजिएगा। अगर आपने एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर दिया तो दोबारा से आपको जेल ब्रेक करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा iCloud बाईपास हो चुका है। अब चलिए अपने फ़ोन की तरफ चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मेरे फ़ोन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा फ़ोन यहाँ पे बाईपास हो चुका है पूरी तरीके से। अब सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ रहा है करने के लिए। और इस मेथड के थ्रू आप iPhone 5, 5S, 6, 6S ये सारे मॉडल्स आप इजीली बाईपास कर सकते हैं, iCloud को बाईपास कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे बाईपास हो चुका है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने फ़ोन को आपने स्टार्ट किया तो रिस्टार्ट करने के बाद फिर से हेलो स्क्रीन पे आ जाएगा, तो इसका एक ही मेथड है कि आपको एक शटडाउन क्रैक सॉफ्टवेयर जो है, एक तरीके का
फाइल है, डम फाइल है, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि iOSO में सपोर्ट करता है। वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई। चलिए अपने वर्जन दिखा देते हैं कि हमारे में फ़ोन में कौन सा वर्जन पड़ा हुआ है। जनरल में जाते हैं, अबाउट्स में जाते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप सॉफ्टवेयर वर्जन में 12.4.7 पड़ा हुआ है। ये iPhone 6 है और इसको हमने आसानी से बाईपास कर दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।